फाइव स्टार होटल्स वगैरह को आप ज्यादा रिवॉर्ड दें, मैं समझता हूँ तो काउंटर प्रोडक्टिव है। फाइव स्टार होटल्स अगर अपने पाँव पे नहीं खड़े हो पाएंगे इस देश में तो दुर्भाग्य की बात है, तो एकदम रिडिकुलस है कि आखिर भारत ऐसा देश नहीं है कि जिसके पास हजारों करोड़ और लाखों करोड़ की संपत्ति है और गवर्नमेंट रेवेन्यूज इतने बड़े हैं कि आप जो चाहे हम बांट सकते हैं। हमें अपनी जेब, आखिर हम सब, हम भी अपने यहाँ पे कुछ होता है तो अपनी जेब देख के खर्चा करते हैं, अनाप शनाप खर्चा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे पड़े हुए हैं 2 महीने से, बच्चों को क्या खिलाएंगे? यहाँ पे काम धंधा था, मजदूरी है, काम धंधा कर लेते, रोज बच्चों को खिला लेते। अब यहाँ पे 2 महीने से कौन दे रहा है हमारे लिए? वो कोई नहीं दे रहा है। घर में कह देते हैं सरकार दे रही, वो दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है बच्चों। Yesterday I was asking my wife कि बुखारा खुला है कि नहीं, देखें जरा पता करें। She said, yeah, home delivery तो मिल जाती है। I said, नहीं पता करें, खुल गया हो तो वहां जाके गरम गरम खाने का मजा अलग है। नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम आनंद मिश्रा है और मैं एक होटेलियर हूं। पिछले 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। 30 दिन मैं कंपनी में काम करता हूं और 30 दिन काम करने के बाद कंपनी वाले मुझे एक सैलरी देते हैं और उस सैलरी से मैं अपना और अपने घर वालों का खर्चा चलाता हूँ। देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मुझे इन फ्यूचर नेतागिरी करने का कोई शौक है। पीयूष गोयल साहब बहुत ही हमारे सम्मानित कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप सब लोग उनको जानते होंगे। जब पीयूष गोयल साहब से होटल वालों ने फरियाद लगाई कि सर हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आप हमारी मदद करो, तो पता है पीयूष गोयल साहब ने क्या बोला? मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने बोला कि फाइव स्टार होटल डू नॉट डिजर्व एनी सपोर्ट, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस। इसका हिंदी मतलब क्या वो पता है? इसका हिंदी मतलब होता है कि फाइव स्टार होटल्स को किसी भी प्रकार की कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस, वो खुद से संभल जाएंगे। बॉस, 4 महीने से आपने कंट्री को लॉकडाउन किया हुआ है, लॉकडाउन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लोगों की जान बचनी चाहिए। आपने 4 महीने से होटल्स को बोला कि बॉस तुम बंद रखो, तुम्हें चलने नहीं देंगे, और फिर आप बोलते हो कि यू आर सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस, आपको अगर फाइव स्टार होटल को भी मदद की जरूरत पड़ जाए तो क्या फ़ायदा है? देखिए, मोदी जी की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। आप अगर इंडिया के बाहर काम करते हैं तो लोग आपको पहचानने लगे हैं नरेंद्र मोदी के नाम से कि अच्छा नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी साहब एक बहुत ही बड़े वर्ल्ड लीडर हैं। जब वो आए थे स्टार्टिंग में, जब ये वायरस का चक्कर शुरू हुआ, तो उन्होंने बोला कि किसी की भी नौकरियां नहीं जाएंगी, कंपनी को हमने बोल दिया है कि उनको पूरी सैलरी मिलेगी, कोई भी स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोदी सर, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली, बहुत मानवता का काम किया, लेकिन सर क्या आपने पता करने की कोशिश की क्या आपने जो बोला है ये बात हुई है कि नहीं हुई है? मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो आप नहीं देखेंगे, आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ। 80% से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई है और 50% जो स्टाफ हैं, ये मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ, 50% जो स्टाफ हैं उनकी सैलरी कट करके मिल रही है। मतलब जो स्टाफ बेचारे महीने का 10,000 कमाते थे, अगर भगवान की दया से उनकी नौकरी बच भी गई है तो उन्हें महीने का 4-5 हज़ार रुपये मिल रहा है। और जो ये फाइव स्टार होटल्स वगैरह होते हैं, ये कौन चलाते हैं? ये बड़े बड़े नेताओं के ही होटल हैं, तो उन फाइव स्टार होटल के मालिक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उनके पास तो इतना खुद का ब्लैक मनी है कि वो अगर 5 साल भी होटल बंद हो जाएगा तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मार किसको पड़ी? जो स्टाफ 12 घंटे 14 घंटे काम कर करके आपके होटल को बिजनेस दिया, नाम दिया, उस स्टाफ के ऊपर में ये सारा का सारा प्रॉब्लम हुआ है। सर, आपको पता करना चाहिए अपने सोर्सेज से कि आपने जो बोला वो हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने बोला मकान मालिक रेंट नहीं लेंगे, वो पूरा का पूरा रेंट वसूल रहे हैं। आपने बोला EMI 3 महीने माफ होगी। बॉस, 3 महीने EMI माफ हो गई, मैं मानता हूं, लेकिन 4th महीने कंपनी ने उसको बढ़ा करके इंटरेस्ट भी डाल दिया है उसके ऊपर में। आपने बोला लाइट दिखाओ, लाइट भी दिखाया। आपने बोला थाली बजाओ, थाली बजाया। और फ्यूचर में आप आकर के जो भी बोलोगे सब करेंगे, आप पे बहुत ज्यादा विश्वास है। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, हम सब करेंगे, हमें बहुत विश्वास है आपके ऊपर। बट सर, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ही कर सकते हो हमारे जो होटल इंडस्ट्री को में जो प्रॉब्लम है, ये आप ही सुधार सकते हो सर, और किसी के बस का नहीं है। इंडियन होटल्स ने तो थोड़ी बहुत मानवता दिखाई भी कि मतलब उन लोगों ने कम सैलरियां काटी या कम लोगों को नौकरी से निकाला। ये जितने भी इंटरनेशनल चेन है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना कल से मुझे भी फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, इन लोगों ने तो मतलब बिल्कुल उतर गए यार, इन लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए हैं।
कि भाई हमारे पास नहीं है, अब आप देखो आपको क्या करना है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, ना हम सैलरी दे सकते हैं, ना आपको जॉब पर रख सकते हैं। सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपसे मैडम एक रिपोर्टर ने पूछा कि होटल वाले जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो आपने उनके लिए क्या सोचा, आपने क्या बोला? विल सी मैम, आप एसी कमरे में बैठी हुई हो, आपके पास बहुत पैसा है और आप बोल रहे हो विल सी, आपके विल सी के चक्कर में बहुत सारे होटल के जो स्टाफ है ना वो खत्म हो गए हैं उनकी लाइफ। आपके दिल में कोरोना वायरस का डर तब तक है जब तक कि आपके जेब में पैसे हैं। आपके जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे तो ये वायरस का डर भी खत्म हो जाएगा। आप मजदूरों को देख लो, आ गए ना वो कहीं से भी, बॉम्बे से, दिल्ली से वापस अपने घर, डर नहीं है उनको। उनको डर किस चीज़ का था? खाना नहीं मिल रहा है। उनको डर किस चीज़ का था? कि हम रहेंगे कहाँ पे। तो ये जब डर घुस गया ना, ये डर यहाँ से निकल गया, तो उनके लिए कोई कोरोना वायरस रहा ही नहीं। तो मैडम थोड़ा आपसे भी अपील है, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। ये जो अतुलनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपने बिल्कुल अपने इंडिया को मार्केट किया हुआ है ना टूरिज्म के मामले में, क्या इनक्रेडिबल इंडिया है, अतुलनीय भारत है, ये सब तभी अच्छा लगता है सर जब लोगों के पास नौकरी होती है और उनकी ज़िंदगी जो है वो चलते रहती है। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा, बट एटलीस्ट चल तो रहा है। यहाँ पर तो गाड़ी रुक गई है, अब ये गाड़ी बढ़ेगी कैसे आगे ये पता नहीं चल रहा है। और अभी आपने ये वंदे भारत और ये जो मिशन जो हमने चलाया, जहाँ पर से कि लोग अब्रॉड से इंडिया पहुँचे हैं, अब्रॉड में भी हालत बहुत खराब है, कंपनी ने वहां से भी लोगों को नौकरी पे निकाला, अब तो भर भर के लोग पहुंचे इंडिया में। जिनके पास पहले ही नौकरी नहीं थी वहां पर हजार लोग और पहुंच गए नौकरी के लिए। तो सर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और मोदी सर आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और मुझे पता है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे हम होटेलियर्स के लिए। जो स्टेट के CMs वगैरह हैं, चीफ मिनिस्टर्स, चाहे दिल्ली के हों, बॉम्बे के हों, कहीं के भी हों, इन लोगों ने बिल्कुल वो किया हुआ है, अपनी मार्केटिंग की हुई है, यहीं से वो अपने नेक्स्ट इलेक्शन की मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमने होटल्स को कंटेनमेंट जोन बना दिया, हमने होटल में आइसोलेशन बेड डाला, हमने बैंक्वेट हॉल ले लिए। सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने होटल को हॉस्पिटल बना दिया, लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, एक भी जान बहुत कीमती है, हर जान जो है अपने फैमिली मेंबर का एक भी इंसान आँखों का तारा होता है, सब बात मैं मानता हूँ। आप होटल को हॉस्पिटल बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में, मैं होता कौन हूँ उस चीज़ आपसे सवाल पूछने वाला, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ। लेकिन सर आपने जब उस होटल को हॉस्पिटल बनाया तो आपने ये सोचा कि इस होटल के अंदर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, तो उनका क्या होगा? आपने तो इसको रख लिया अपने पास, आपने तो एक नोटिस निकाल दी कि बॉस ये कल से ये आइसोलेशन सेंटर हो गया, लेकिन वहां पर जो स्टाफ काम कर रहे थे, क्या आपने पूछा कि इनकी सैलरी कहाँ से मिलेगी? अब आप फिर वही बोलोगे कि 5-star होटल को क्या जरूरत है यार मदद की, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस, खोलने आप दोगे नहीं तो किधर से सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस? तो सर ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप बनाओ आइसोलेशन बेड, आप बढ़ाओ कंपनी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करो, बट जो हमारी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटैलिटी है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ऐसे नहीं चलेगा काम। ये कोविड कब तक चलेगा हमें पता नहीं है, इसकी वैक्सीन कब आएगी, कब तक लोगों तक पहुंचोगी, कब ये देश के हालात सही होंगे, तो यार तब तक क्या मतलब होटल वाले बैठ जाएं, छोड़ दें, क्या करें? जेब में जब तक पैसा है तब तक डर है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो सर एक बारी जो है ना चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाएंगी तो हमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ना मेरा ये वीडियो सीतारमन जी देखेंगी, ना पीयूष गोयल साहब देखेंगे, ना मोदी जी देखेंगे, मुझे पता है कोई नहीं देखने वाला इस वीडियो को, लेकिन कुछ ना कुछ तो शोर जरूर करेगा ये वीडियो। हमारे कंट्री के GDP और GST को बढ़ाने में इसका बहुत हाथ है इस इंडस्ट्री का। हम इस इंडस्ट्री को ऐसे ख़राब नहीं होना देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी लोग आएँ और इस इंडस्ट्री में अपना योगदान दें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो कुछ ना कुछ शोर तो ज़रूर करे। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, और मैं फिर से बोलता हूँ मैं एक होटेलियर हूँ, और मैं पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, और मैं अभी तक खुश हूँ, और मैं आगे भी खुश रहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।